फ्रेंड्स बात करेंगे लेखपाल डीबी को लेकर। देखिए 3 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट भी कंप्लीट हो गई है। सुबह वाली मीटिंग में काफी अच्छा डीबी स्किप देखने को मिला था, लेकिन शाम वाली मीटिंग में जो है बहुत ज्यादा डीबी स्किप देखने को नहीं मिला है, एक एवरेज डीबी स्किप देखने को मिला है। मैंने जब बच्चों से बात करी तो कहीं पे 3, कहीं पे 4, कहीं पे 5 बच्चे डीबी स्किप कर रहे थे, लेकिन मॉर्निंग वाली मीटिंग में काफ़ी अच्छा खासा डीबी स्किप देखने को मिला है। लगभग सुबह में 350 में से 60 से 65 बच्चे डीबी स्किप किए थे, लेकिन शाम वाली मीटिंग में इतना डीबी स्किप देखने को नहीं मिला है। तो लगभग 40 से 50 आप मान के चल सकते हो कि शाम वाली में डीबी स्किप देखने को मिला है। डीबी अभियान कैसा चल रहा है? तो उम्मीद जितना था उतना तो नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ ठीक ठाक आप बोल सकते हो। अभी तक ओवरऑल 15% आप बोल सकते हो कि डीबी स्किप हुआ है, जिसको धीरे धीरे पहुंचाकर हम लोग को 25% करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं लगातार बच्चों से बात भी कर रहा हूं कि जो भाई कहीं ज्वाइन हो गए हैं तो प्लीज़ डीबी स्किप ना कराएं। ऑनलाइन भी जब मैं आता हूं तो भी कुछ बच्चे जो हैं बोलते हैं कि ठीक है सर आप कह रहे हैं तो हम नहीं डीबी स्किप कराएंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में हूं, तो मैं केवल ऐसे ही सब कुछ देखने के लिए जा रहा था, तो मैंने मना किया उनको कि भैया आप मत करो ऐसा। बाकी मेरे हाई कोर्ट के जो बच्चे हैं जूनियर स्टैंड में सेलेक्ट हुए हैं स्टैंडों में, उनसे भी मैं लगातार फोर्सली कोशिश यही करता रहता हूं कि भैया डीबी आप स्किप कर दीजिए। एसटीएफ ने कितने बच्चों को अभी तक पकड़ लिया है? तो लगभग अभी जो अपडेट आ रही है वो लगभग 32 से 35 बच्चे जो हैं वो ऐसे हैं जो एसटीएफ ने जिनके ऊपर तगड़ी जांच कर रहे हैं, और उनका कोई भी मतलब डेटा जो है वो लेखपाल के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको सीधा सीधा हटा दिया गया है। जो है वो डेटा बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था बायोमेट्रिक, तो एसटीएफ उनके ऊपर पूरी कार्रवाई कर रही है। तो उम्मीद यही है कि उनको सीधा सीधा बाहर कर दिया जाएगा, तो यहां से भी बच्चे जो है वो डिस्क्वालीफाई होना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद यही रहेगी अगर ऐसा डीबी अभियान चलता रहा और ऐसे डीबी स्किप रहा तो कट ऑफ जनरल की 80 से नीचे रहनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाकी आप लाइव में भी जुड़िएगा 8:30 बजे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।